हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बूस्ट कन्वर्टर के पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। तो आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपको बूस्ट कन्वर्टर की वर्किंग देखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो 12 वोल्ट से 20 वोल्ट का वोल्टेज स्टेप अप करना है। ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है। इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट। तो अब हमें एल और सी के वैल्यू चाहिए। मान लो कि बूस्ट कन्वर्टर 100 वाट और इसकी 10% और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 25 किलोहर्ट्ज़ है। तो फर्स्ट हमें ड्यूटी रेशो निकालना है। ड्यूटी रेशो का फॉर्मूला डी इक्वल टू 1 माइनस इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। यहाँ इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट एंड एफिशिएंसी 100 यानी 1। देन ड्यूटी रेशो 0.4। सेकंड एल कैलकुलेट करना है तो एल का फॉर्मूला ये है, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एस मिनिमम मल्टीप्लाई बाय डी एंड डिवाइड बाय स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टर रिपल करंट। यहाँ इनपुट वोल्टेज फिक्स है, कोई रेंज नहीं है, नहीं तो यहाँ मिनिमम वोल्टेज यूज़ करते। डी 0.4 है और एफ एस 25 किलोहर्ट्ज़। अब डेल्टा आई एल फाइंड करना है। वैसे थंब रूल के हिसाब से डेल्टा आई एल 20% टू 40% हो सकता है। अगर हम डेल्टा आई एल बहुत कम रखते हैं तब ये अनस्टेबल कंडीशन में होगा, और अगर ज़्यादा रखते हैं तो EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे 20-40% तक रखते हैं। मान लो हम 30% रखेंगे तो डेल्टा IL क्या होगा, 30% ऑफ इंडक्टर करंट। अब हमें इंडक्टर करंट चाहिए तो इंडक्टर करंट के लिए पावर क्या होगी, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। यहाँ एफिशिएंसी 100% है इसलिए इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होगी, बट हमें IL चाहिए। यहाँ दोनों मोड में सोर्स करंट और इंडक्टर करंट दोनों सेम ब्रांच में हैं तो सोर्स करंट और इंडक्टर करंट इक्वल होंगे। तो पावर 100 वॉट, इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट, तो इनपुट करंट 8.33 एम्पीयर जो कि इंडक्टर करंट ही है, और आउटपुट करंट के लिए 100 डिवाइड बाई 20 इट मीन्स 5 एम्पीयर। अब डेल्टा आई एल जो होगा वो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 8.33 एम्पीयर। सो बाई कैलकुलेटिंग दिस वी कैन फाइंड एल विच इज 76.83 माइक्रो हेनरी। एल की वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू से नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जो कि 82 माइक्रो हेनरी है। ये आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये कई बार ये फॉर्मूला आपको आर की फॉर्म में मिल सकता है, तो आउटपुट करंट को आर की टर्म में बना लें। यहाँ आउटपुट करंट जो कि हम निकाल चुके हैं फिर है ड्यूटी रेशो 0.4, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 25 किलोहर्ट्ज एंड रिपल वोल्टेज ये 1% to 5% तक हो सकता है। यहाँ कैपेसिटर एंड लोड पैरेलल में है तो कैपेसिटर वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इक्वल होंगे,
इसको और कम करेंगे तो कैपेसिटर की साइज और कॉस्ट दोनों इंक्रीज होगी। हम यहाँ 1% रखते हैं तो 1% मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, तो 1% ऑफ 20 वोल्ट यानी 0.01 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये 400 माइक्रोफेरेड मिलेगा। ये तो एल और सी की वैल्यू आ गई। अब रेटेड पावर पर लोड की वैल्यू देखते हैं। पावर इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सो यहाँ पर आर 4 ओम, यानी 4 ओम के लोड पर रिपल करंट तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 8.33 एंड रिपल वोल्टेज 0.01 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा। पर हमेशा लोड 4 ओम तो नहीं रहेगा, इससे कम हो नहीं सकता क्योंकि आउटपुट पावर रेटिंग इससे ओवर हो जाएगी तो फिर सर्किट डैमेज हो सकता है। एल के फॉर्मूला में देखो वी एस डी एफ एस एंड जो एल कैलकुलेट किया है सब कांस्टेंट हो गए हैं, तो डेल्टा आई एल भी कांस्टेंट होगा, यानी किसी भी लोड पर डेल्टा आई एल की वैल्यू यही रहने वाली है। बट सी के केस में डी एफ एस एंड सी जो कि 400 माइक्रोफेरेड है तो ये सब कांस्टेंट है, बट आई ज़ीरो जो है लोड पर डिपेंड करता है। लोड अगर बढ़ेगा तो आउटपुट करंट कम होगी और इसके वाइस वर्सा भी है, तो आर के बढ़ने पे लोड करंट कम हो जाएगी जिससे डेल्टा वी सी यानी रिपल इन वोल्टेज ऑल्सो डिक्रीजेस। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।